डेट है आज 9 मार्च 2021। आज के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में ही करेंगे, जो कुछ करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क। ये एक डेस्क बनाया गया है जी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है इसको डिस्कस करेंगे। चाइना वॉन्स US ओवर इट्स ताइवान स्टैंड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चाइना प्लान्स टू बिल्ड डाउन स्ट्रीम डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्रा। चाइना क्या है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है उस पर डैम बनाने की बात कर रहा है अभी, तो ये डिस्कस करेंगे। सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम, ये योजना क्या है, किससे रिलेटेड है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। स्विट्जरलैंड टू बैन ऑन फेस कवरिंग्स इन पब्लिक। स्विट्जरलैंड ने अभी एक ऐसा मतलब रेफरेंडम लेके आया है, रेफरेंडम के थ्रू वो फेस कवरिंग, जो फेस कवर करते हैं मुस्लिम्स में, उसको बैन कर दिया है। तो ये क्या न्यूज़ है इसे देखेंगे पूरा रिलेटेड इससे। टेक भारत 2021, इससे रिलेटेड न्यूज़ पढ़ेंगे। मैत्री सेतु इनोग्रेटेड, ये मैत्री सेतु क्या है इसे पढ़ेंगे। फर्स्ट काउंटर टेररिज्म डायलॉग बिटवीन इंडिया और एंड नाइजीरिया, इंडिया और नाइजीरिया के बीच में एक फर्स्ट काउंटर टेररिज्म डायलॉग हुआ है इसे देखेंगे। इंडिया स्वीडन वर्चुअल समिट हुआ है, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है इसे देखेंगे। गहीरमाथ मैरिन सेंचुरी, ये न्यूज़ में है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इक्विन हर्पेस वायरस आउटब्रेक इन यूरोप, इस वायरस के बारे में डिटेल से देखेंगे, ये क्या डिसीज़ है। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क एट साइबराबाद। ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी क्या होती है तो पता है ना आपको, हिजड़ा जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं जी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ये डेस्क अभी इनोग्रेटेड किया गया है जी, इनोग्रेटेड का मतलब है आरंभ किया गया है। कहाँ पे? गचीबौली पुलिस स्टेशन है तेलंगाना में, तेलंगाना में गचीबौली पुलिस स्टेशन पे स्टार्ट किया है। डेस्क का मतलब है जी एक, मान लो एक स्पेशल वो बना दिया इसके लिए ऑफिस टाइप, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। उसमें क्या होगा, ये मैनेज करेगा, एक पुलिस ऑफिसर होगा और दूसरा एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से एक पर्सन होगा इस डेस्क में। ये क्या करेगा, जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनकी समस्याएं सुनेगा, ग्रीवेंसेज। ये इंडिया में जी ऐसा फर्स्ट टाइप का, मतलब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जेंडर इंक्लूसिव कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव है। मतलब ऐसा अपने तरीके का फर्स्ट ऐसा डेस्क बनाया गया है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए किसी भी पुलिस स्टेशन में बनाया गया है। इसमें यही है जी, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी ग्रीवेंसीज हैं उनके समस्याएं हैं उनको रिड्रेस करने के लिए, मतलब सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, उनके प्रति जो वायलेंस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनसे रिलेटेड कंप्लेंट लिखेगा जी। ये कंप्लेंट लिखने के बाद उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस डेस्क के जरिए, जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है। इसमें काउंसलिंग होगी जी, सुझाव राय दिए जाएगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, लीगल एड दी जाएगी सहायता, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी उन्हें, जॉब प्लेसमेंट के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ये सब किसके साथ मिलकर करेगी ये तेलंगाना की पुलिस, ये करेगी जी डिपार्टमेंट ऑफ वुमन एंड चाइल्ड वेलफेयर के साथ मिलके और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलके, इनके साथ मिलके ये सारे काउंसलिंग, लीगल एड, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, जॉब प्लेसमेंट वगैरह इनको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दिलवाएगी। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट वे। नेक्स्ट है चाइना वॉन्ट्स US ओवर इट्स ताइवान स्टैंड। पहले आप चाइना और ताइवान, ये ताइवान का मैप देखिए, ये जी पूरा वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे ये अपना हिंदुस्तान, इसके साइड में चाइना, या ये वाला हिस्सा देख रहे हैं बड़े में, ये जी चाइना का मैप, और चाइना के ये देखो जी साइड में है ताइवान, इसकी जो कैपिटल है ताइपी है। अब ये साउथ चाइना सी है, ये लोकेशन देख लीजिए आप, साउथ चाइना सी। चाइना की कैपिटल तो आप जानते हो बीजिंग। अब इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है ये देखते हैं। चाइना रिसेंटली वॉर्न्ड बिडन एडमिनिस्ट्रेशन, चाइना ने अभी क्या है, जो बिडन है जी, जो बिडन, उनको धमकी दी है। किस लिए? क्योंकि जो पिछले राष्ट्रपति थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट किसके, USA के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ताइवान को सपोर्ट किया था। तो चाइना ने कहा है अगर अमेरिका सपोर्ट करता है ताइवान को तो उसे डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं, धमकी दी है जी चाइना ने। चाइना ने ताइवान को भी वॉर्न किया है, धमकी दी है कि अगर वो कोई भी अपनी ऐसा अटेम्प्ट करता है कि टू सीक इंडिपेंडेंस, कि अपनी आज़ादी के लिए कोई भी वो ऐसी एक्टिविटी करता है तो उसे वार देखने को मिल सकता है, मतलब चाइना युद्ध कर देगा उसके साथ। क्यों कर देगा, इशू क्या है जी चाइना, देखो जी पहली बात तो ये, चाइना के और ताइवान के पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे। इशू क्या है, इशू ये है चाइना क्या है, जो डेमोक्रेटिक ताइवान है उसको अपना हिस्सा ही मानता है चाइना, अपनी प्रोविंसेस उसी का एक पार्ट है। लेकिन ताइवान क्या है, सॉवरेन स्टेट मानता है अपने आप को, मतलब ये इंडिपेंडेंट स्टेट है, चाइना का हिस्सा नहीं है। लेकिन चाइना क्या कहता है, ताइवान हमारा ही पार्ट है। लेकिन ताइवान सॉवरेन स्टेट मानता है अपने आप को, और उसकी अपनी, ताइवान के पास अपनी कॉन्स्टिट्यूशन भी है, संविधान भी है, मिलिट्री भी है, इलेक्टेड लीडर भी है जी उसके, ताइवान के पास।
ताइवान, देखो जी चाइना का एक सिस्टम है वन सिस्टम टू फार्मूला, ये एक फार्मूला है जी चाइना का, वन सिस्टम टू फार्मूला। इसमें क्या होता है, मतलब ये कहता है चाइना ताइवान है जो, ताइवान और हांगकांग ये दो पार्ट हैं जी, हांगकांग और ताइवान, इनके लिए स्पेशल ऑटोनॉमी दी गई है इस सिस्टम के जरिए चाइना ने। चाइना कहता है ये सारा वन सिस्टम ही है, चाइना का पार्ट ही है ताइवान और हांगकांग, लेकिन टू फार्मूला का मतलब है कि इन्हें ऑटोनॉमी दी गई है, मतलब स्वायत्तता दी गई है, इन्हें आज़ादी दी गई है कि अपने लॉ बना सकें, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से लॉ बना सकें, लेकिन है चाइना के पार्ट, मेनलैंड चाइना के पार्ट है। तो ये चाइना का कहना है, चाइना का रिलेशन समझते हैं जी, बैकग्राउंड समझते हैं चाइना और ताइवान का। हुआ क्या था, 1949 में रिबेल, मतलब एक रिबेलियन हुई जी, यहाँ के जो ताइवान के जो नेशनलिस्ट हैं उन्हें बोलते थे कोमिंगतांग, तो इनको चाइना, चाइनीज सिविल वार हुआ जिसमें चाइना ने क्या किया, इनको हरा दिया, डिफीट कर दिया। तब से क्या है, ये चाइना इन पर रूल करता है ताइवान पे, और अपना पार्ट मानता है इन्हें, और चाइना और ताइवान की जो ट्रेड है वो भी क्या है, ताइवान की ट्रेड चाइना के साथ ही लार्जेस्ट है, लगभग $226 बिलियन की है जी 2018 में, और ये ताइवान रन से लार्ज ट्रेड सरप्लस विद चाइना, मतलब चाइना के साथ इसकी जो ट्रेड है सरप्लस है ताइवान की ऑलरेडी, तो सबसे ज़्यादा ट्रेड भी चाइना के साथ ही करता है ताइवान। लेकिन ताइवान क्या है, सेल्फ गवर्न्ड है और इंडिपेंडेंट है चाइना, क्योंकि मतलब ताइवान, क्योंकि ताइवान अपने लॉ वगैरह खुद बना सकता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसी के सिस्टम है, मतलब चाइना के सिस्टम में ही दिया हुआ है ये। लेकिन कभी भी ताइवान ने अपनी फॉर्मली डिक्लेयर नहीं किया इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मेनलैंड, कभी भी ताइवान ने चाइना से अलग होने का मतलब ये डिक्लेयर नहीं किया, हम चाइना से आज़ाद हैं, कभी भी डिक्लेयर नहीं किया। तो ये कौन सा फॉर्मूला जी, ये हमने जान लिया कि अंडर वन कंट्री टू सिस्टम फॉर्मूला जी, सॉरी वन कंट्री टू सिस्टम फार्मूला, मैंने कहा था ना वन सिस्टम टू फार्मूला, ये जी वन कंट्री टू सिस्टम फार्मूला है। इसके अंदर क्या है, दोनों हांगकांग और ताइवान को अपना लॉ बनाने का, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ये सब उनको अधिकार है, लेकिन मेनलैंड चाइना की पार्ट है दोनों। ताइवान क्या है, ताइवान के पास मेंबरशिप भी है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन की भी इसके पास मेंबरशिप है, और ताइवान एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी मेंबर है अलग से। इंडो ताइवान रिलेशन क्या है जी, अब इंडिया और ताइवान के क्या रिलेशन है, इंडिया के जी ये हैं कि इससे क्या है, थोड़ी बहुत ट्रेड होती है जी, कोई ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशन तो है नहीं, टीज नॉट ए नॉट हैव ए फॉर्मल डिप्लोमेटिक टीज, टीज का मतलब जी संबंध, कोई ऐसे राजनीतिक संबंध तो है नहीं इंडिया ताइवान के, लेकिन वेरियस फील्ड में कोऑपरेट करता है, जैसे आपके ट्रेड वगैरह करना, व्यापार करना इंडिया के साथ और ताइवान के साथ, इनके संबंध है व्यापार के जरिए। लेकिन इंडिया ने हैज़ रिफ्यूज टू इंडोर्स द वन चाइना पॉलिसी सिंस 2010, इंडिया ने क्या है, जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है ना, जिसके जरिए वो ताइवान और हांगकांग को अपना पार्ट मानता है, तो इसको मानने से इनकार कर दिया था इंडिया ने 2010 से भी, और अभी तक इनकार करता है, मतलब रिफ्यूज का मतलब इनकार करना। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है चाइना प्लान्स टू बिल्ड डाउन स्ट्रीम डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्रा, चाइना क्या है प्लान कर रहा है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर है उस पर डैम बनाया जाए, ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये देखो जी आप, ये अपनी इंडिया जी, ये वेल्लो बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये नेपाल है ये दिखाई दे रहा है जो आपको, ये नेपाल इधर, ये इंडिया का बॉर्डर है जी येल्लो दिखाई दे रहा है, ये भूटान है, ये इधर चाइना पता होगा आपको, ये तिब्बत रीजन है जी, तिब्बत रीजन जो चाइना का ही पार्ट है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर है जी जो फ्लो कर रही है आपको ग्रीन में दिखाई दे रही है, ये ग्रीन में दिखाई दे रही है, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये रिवर कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत है जी, तिब्बत जो चाइना का पार्ट है वहाँ से निकलती है, यहाँ पे कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज, कैलाश की पहाड़ियाँ, कैलाश पर्वत जिसे बोलते हैं, वहाँ पे एक झील है, कौन सी, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, मानसरोवर लेक इंग्लिश में, मानसरोवर लेक, यहाँ पे क्या है एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर है जी, ग्लेशियर तो पता है ना, माउंटेन ऑफ आइस, मतलब बर्फ़ की पहाड़ियों को ग्लेशियर बोलते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ़ जम जाती है, ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर है यहाँ पे, चेमा योंगडुंग, चेमा योंग डुंग, ये चाइनीज नाम है जी, CHEMAYUNGDUNG, चेमा योंगडुंग ग्लेशियर, इस ग्लेशियर से निकलती है पर्टिकुलरली ये ब्रह्मपुत्र रिवर, ये यहाँ से चाइना में फ्लो करके फिर अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, असम के जरिए फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो अब चाइना डैम कहाँ बना रहा है, ये चाइना डैम बना रहा है जी, ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये चार डैम, इनमें से अभी एक डैम को प्रपोज किया है, ये चार डैम कौन कौन से हैं देखो जी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये चार डैम है जी, पहला डागू, जियोक्सू, जंगमू और जियाचा, ये चार डैम,
और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसको चाइना में क्या बोलते हैं, यारलुंग जंगबो रिवर, यारलुंग जंगबो, ये याद रखना आपको। अब इसके बारे में न्यूज पढ़ते हैं क्या है। देखो 5 ईयर का प्लान बनाया चाइना ने, 2021 से 2025 चाइना प्रपोज कर रहा है कि फर्स्ट डैम बनाया जाए यारलुंग जंगबो रिवर पे, जो ब्रह्मपुत्र का ही दूसरा नाम है। मेजर प्रोजेक्ट क्या है इस पे, ये यहाँ पे क्या है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाना चाहता है जो पावर ट्रांसमिशन चैनल के लिए काम करेगा, मतलब पावर ट्रांसमिट करेगा चाइना में यहाँ से। अब इंडिया की कंसर्न क्या है इसके रिलेटेड, चाइना डैम बना रहा, चाइना की टेरिटरी में ब्रह्मपुत्र बना सकता है, लेकिन इंडिया की क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है जी चाइना, देखो जी ऐसी कोई चाइना के साथ कोई भी वाटर ट्रीटी नहीं है इंडिया की, ना तो बाइलेटरल है और ना ही मल्टीलेटरल है। और जब दो मतलब इंडिया में भी फ्लो करती है ना ब्रह्मपुत्र, और चाइना में भी और बांग्लादेश में भी, तो ऐसी जब कोई रिवर होती है इंटरनेशनल रिवर जो दो कंट्री या दो से अधिक कंट्री में फ्लो करती है, उसके लिए कोई ट्रीटी वगैरह होती है ना कि वाटर को कौन कौन मैनेज करेगा। जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रीटी है रिवर इंडस रिवर को लेकर, सतलुज को लेकर, जो 5 रिवर फ्लो करती हैं इंडिया और बांग्लादेश में, सॉरी इंडिया और पाकिस्तान में, तो ऐसी कोई चाइना के साथ कोई ट्रीटी नहीं है जी। तो चाइना क्या है लेकिन इन पर फिर भी डैम बना रहा है इस पर, तो एक तो ये कंसर्न है जी। दूसरी कंसर्न क्या है, दूसरी प्रॉब्लम है जी, चाइना बिलीव्स डैम बिल्डिंग ऑन द ब्रह्मपुत्र हेल्प्स इट असर्ट क्लेम ओवर अरुणाचल प्रदेश। चाइना ऐसा मानता है अगर वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे डैम बनाएगा तो उसका जो दावा है वो अरुणाचल प्रदेश पे और हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है जी, देखो ये अपना हिंदुस्तान है जी, ये मान लो जी, ये मान लो जी बहुत बेकार मैप बन गया, कोई बात नहीं जी इसी से काम चलाओ। ये अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे, और ये जी अपना जम्मू कश्मीर, ये इतना पार्ट ये देख रहे हो, ये इससे ये अक्साई चीन बोलते हैं ना, ये चाइना के हिस्से में, और यहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश में भी बॉर्डर डिस्प्यूट होते रहते हैं इंडिया और चाइना के। इसे इंडिया और चाइना का बॉर्डर जो मैकमोहन लाइन बोलते हैं, मैकमोहन लाइन, MCMOHAN, मैकमोहन लाइन। तो यहाँ पे चाइना क्लेम करता है टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन इंडिया कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में मतलब यहाँ पे डिस्प्यूट होता रहता है टेरिटरी के लिए, एरिया के लिए, और चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो आधा पार्ट है लगभग वो चाइना क्लेम करता है कि उसका पार्ट है। तो चाइना का सोचता है अगर मैं इस पे डैम बनाऊंगा ब्रह्मपुत्र रिवर पे तो अरुणाचल प्रदेश पे उसका क्लेम है, जो दावा है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कंसर्न क्या है इससे, इंडिया बिलीव करता है, ऐसा मानता है कि जो चाइना का प्रोजेक्ट है तो ये क्या है, रिवर फ्लो को रिड्यूस कर सकता है इंडिया में, मतलब रिवर का जो पानी आ रहा है रिड्यूस कर सकता है। और इससे नुकसान क्या है जी, देखो नुकसान ये है, इंडिया के जो स्टेट हैं उसमें डैम्स वगैरह कैनाल्स या इरिगेशन सिस्टम के लिए ये यूज होता है, तो जैसे यहाँ पे खेती होती है जी, एग्रीकल्चर होती है, कृषि, उसके लिए पानी इसका यूज होता है। यहाँ के जो आसपास ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास जो लोग रहते हैं यहाँ पे, तो ये तो ब्रह्मपुत्र रिवर के वाटर पे ही डिपेंड है ना, इसी के पानी पे, इसी से खेती वगैरह करते हैं। यहाँ पे जो डाइवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट एरियाज है, वहाँ पे भी इसके लिए पानी वगैरह की ज़रूरत होती है। तो चाइना क्या है, इसे एज ए पॉलिटिकल वेपन्स की तरह यूज कर सकता है। कैसे, मान लो इंडिया और चाइना का युद्ध हो जाए, वॉर हो जाए, तो चाइना इसका पानी रोक दे या फिर फ्लो बढ़ा दे, तो कुछ भी हो सकता है, फ्लो बढ़ा दे जी, मान लो ज़्यादा फ्लो हो जाए, डैम को खोल दे जी, डैम अभी तो डैम बना लिया, और बहुत ज़्यादा बारिश हो और ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र रिवर में पानी ज़्यादा बढ़ जाए, तो बाढ़ की मान लो फ्लड की सिचुएशन हो गई जी, बाढ़ आ सकती है अगर जरा सा भी पानी आए, और चाइना डैम को खोल दे, और फिर तो यहाँ पे पानी और बढ़ जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर में, और फिर क्या है, इंडिया में बाढ़ आ सकती है, फ्लड आ सकती है, या फिर ड्रॉट कंडीशन में जब सूखा पड़े, पानी ऑलरेडी कम है, चाइना रोक ले, तो ये क्या है, एज ए पॉलिटिकल वेपन्स की तरह यूज कर सकता है चाइना। और क्या है, चाइना क्या है जी, हाइड्रोलॉजिकल डेटा देने से भी मना कर सकता है चाइना को, कि अब हाइड्रोलॉजिकल डेटा का मतलब है कि पानी से रिलेटेड, कि अब ब्रह्मपुत्र रिवर में कितना पानी है यहाँ पे, कि उसकी तरह उसकी मतलब अगर डेटा को देख के क्या इंडिया प्लान बना सकता है ना कि फ्लड आ रही है या ड्राउट की कंडीशन है कैसी है, उसी हिसाब से प्लान बना सकता है। चाइना कहता है कि ये चाहता है चाइना, जो यारलुंग जंगबो रिवर है मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये नॉर्थवर्ड इसका फ्लो मोड़ने की सोच रहा है जी, जैसे ये रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है ना, तो ये चाहता है चाइना ये रिवर यहाँ फ्लो कर रही है, रिवर को इसका पानी थोड़ा इधर की तरफ मोड़ दिया जाए, कैनाल वगैरह, नहर बना के, कैनाल का मतलब है नहर, नहर बना के, कैनाल बना के मोड़ दिया जाए, जैसे अभी प्लान बना रहा है। तो अगर ये ब्रह्मपुत्र रिवर का डाइवर्जन होगा जी चाइना का, तो ये क्या है, चाइना इसे जो प्लान है चाइना का कि ब्रह्मपुत्र रिवर का जो डाइवर्जन किया जाए, इसे पब्लिक भी डिस्कस नहीं करता चाइना, क्यों, क्योंकि जी ये जो रिवर है बांग्लादेश इंडिया और चाइना
इंडिया चाइना में फ्लो करती है। तो इस तरह से क्या है, ये क्या करेगा, इट इम्प्लाइज इज डिवास्टेटिंग इंडियाज नॉर्थ ईस्ट प्लेन्स एंड बांग्लादेश। ये इंडिया और बांग्लादेश के जो प्लेन्स है जी, जो इसके पानी पर निर्भर हैं, ये क्या है, उसको डिवास्टेट कर सकता है अगर ये डाइवर्जन करेगा ब्रह्मपुत्र रिवर का। इससे क्या, या तो फ्लड आ सकती है या फिर वाटर फ्लो को रिड्यूस कर सकता है, ड्रॉट कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अब सिग्निफिकेंस क्या है जी इससे ब्रह्मपुत्र रिवर के इंडिया के लिए, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस वही है जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है, तिब्बत इंडिया बांग्लादेश रिवर में फ्लो करती है लगभग, मतलब ये रिवर 3000 किलोमीटर तक इसका क्या है फ्लो करती है, बहती है रिवर। इंडिया के लिए किस किस पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो जी एग्रीकल्चर वगैरह, इनकी जो लाइवलीहुड है पीपल की ब्रह्मपुत्र रिवर पे मोस्टली डिपेंड है, जो यहाँ पे लोग रहते हैं। कौन कौन से पार्ट में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मेघालय में, सिक्किम में, नागालैंड में, वेस्ट बंगाल में, ये लोग इसी पर डिपेंड है। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर, जो ब्रह्मपुत्र रिवर की जो वैली है, यहाँ पे घाटी है, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वगैरह होती है, यहाँ की जो इंडिजिनस कम्युनिटी है वो इसी पे डिपेंड है उनकी लाइफ, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं इसके पानी से। यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम। ये क्या है, सब मिशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम, ये एक योजना है जी। अभी क्या किया, इस स्कीम के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स ने सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ एक MOU साइन किया। MOU क्या जी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक एग्रीमेंट मान लो जी, समझौता साइन किया सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ मिलकर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने। किस लिए साइन किया, इसलिए साइन किया जी, उसने कहा कि जो सिल्क सेक्टर है जी, सिल्क सेक्टर का मतलब है जो रेशम की खेती होती है, रेशम की एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर सिल्क एग्रीकल्चर, तो उसमें क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री को इम्प्लीमेंट किया जाए। एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या मतलब है, एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है जिस खेत में आप मान लो कोई फसल क्रॉप वगैरह उगा रहे हो, उसके साथ साथ आप ट्री भी लगाओ, पेड़ भी लगाओ, प्लांट लगाओ, ताकि आपकी डबल इनकम हो जाए। और क्या है, वहाँ पे जो सॉइल का इरोजन वगैरह वो भी रुक जाए, मृदा अपरदन होता है जो सॉइल का इरोजन वो भी रुक जाए। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है जी, सिग्निफिकेंस का मतलब इम्पोर्टेंस क्या है जी, देखो जी ये जो MOU साइन किया है, इससे फार्मर्स को इंसेंटिवाइज होंगे जी, इंसेंटिवाइज का मतलब बेनिफिट्स मिलेंगे अगर वो सेरिकल्चर के साथ साथ एग्रो फॉरेस्ट्री करेंगे तो। ये क्या है, मेक इन इंडिया में भी कंट्रीब्यूट करेगा और पूरे वर्ल्ड में क्या है, ये एक तरह से वो इंडिया की जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को भी इंक्रीज करेगा। सेरिकल्चर क्या होती है जी, सेरिकल्चर होती है सिल्क की प्रोडक्शन, जैसे रेशम की खेती करते हैं, जो रेशम की खेती के लिए क्या है कीड़े पालते हैं, सिल्क के जो वॉर्म होते हैं ना, कीड़े से बनते हैं ना जी सिल्क, कीड़े से यार्न बनता है धागा, और धागे से बनते हैं सिल्क के कपड़े, तो इसी इसी को बोलते हैं पूरा सेरिकल्चर के बारे में थोड़ा डिटेल भी पढ़ेंगे हम लास्ट में, पहले न्यूज़ देख लेते हैं। और इसके और क्या सिग्निफिकेंस है जी इसके, ये जी अगर ये क्या है, ये ग्रो करेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री भी ग्रो करेंगे सिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो क्या है ये एक तरह से इनकी लाइवलीहुड को इंक्रीज करेगा जी। अगर ये पेड़ पौधे लगाएंगे, मान लो फ्रूट के कोई पौधे लगा लें जी, पेड़ लगा दें फ्रूट के लिए, तो इनकी क्या इनकम इंक्रीज होगी, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर स्कीम क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर इसने जी इंप्लीमेंट करता है इसको, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, ये 2016-17 से इंप्लीमेंट की जा रही है, मतलब लागू की जा रही है स्कीम। ये एक इंडिया ने 2014 में नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी चलाई थी, उसी का पार्ट है ये सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, उसी का पार्ट है, इसकी रिकमेंडेशन पे ये चला गया था एग्रो फॉरेस्ट्री सब मिशन। ये क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जी, जो सब मिशन ऑन एग्री फॉरेस्ट्री है ना, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, ये क्या है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर का क्या मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर पैसा लगाएंगी, दोनों ही इंप्लीमेंट करेंगी। जैसे नॉर्मल स्टेट है उनके लिए 60-40 होगा जी, 60% देगा जितना भी पैसा लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40 देगा स्टेट गवर्नमेंट। और जो हिली स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट होते हैं उनके लिए 90-10 का रेशो, मतलब 90% जितना भी पैसा लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% देगा स्टेट गवर्नमेंट। जो भी हिली एरियाज हैं, पहाड़ी एरिया, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए जी, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश हो गए इनके लिए, और जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए 100% कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। और एक होती है जी सेंट्रली सेक्टर स्कीम, ये कई बार बता चुका हूँ मैं, सेंट्रली सेक्टर स्कीम का मतलब है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा पैसा लगाती है और वो इंप्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और ये कौन सी है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, ये सब मिशन है जो किस एग्रो फॉरेस्ट्री, जो नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री थी 2014 की, उसने रिकमेंड की थी। लेकिन ये सब मिशन किसके अंडर काम करता है, नेशनल मिशन फॉर
फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये एक मिशन है जी जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए इंडिया में चलाया जाता है, इसी का पार्ट है जी, इसके अंदर काम करता है ये सब मिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री। इंडिया का है पूरे वर्ल्ड में ऐसी जी फर्स्ट कंट्री है जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेके आई है, जिसने एग्रोफॉरेस्ट्री मतलब एक कांग्रेस की जी मतलब एक मीटिंग की वर्ल्ड एग्रोफॉरेस्ट्री कांग्रेस इन 2014, ये दिल्ली में की जी। कांग्रेस का मतलब ये मतलब मीटिंग की जी एग्रोफॉरेस्ट्री पे कि एग्रोफॉरेस्ट्री को कैसे प्रमोट किया जाए, उसके लिए एक मीटिंग की 2014 में दिल्ली में। तो इंडिया ऐसा फर्स्ट कंट्री था जिसने एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एग्रोफॉरेस्ट्री को डेवलप करने के लिए स्टार्ट की। एट प्रेजेंट क्या है जो ये स्कीम है, योजना सब मिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री, ये 20 स्टेट्स में और 2 यूनियन टेरिटरी में इंप्लीमेंट की जा रही है, लागू की जा रही है। अब इसका एम क्या है जी मिशन का, मिशन का एम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है, एग्रीकल्चर में फार्मर्स की जो इनकम है उसके लिए क्या है, उसकी इनकम इंक्रीज करना है, फार्मर्स को प्रमोट करना है ताकि वो क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप ही क्या है एग्रीकल्चर में ग्रो करें, मतलब ऐसी क्रॉप जो क्लाइमेट रेजिलियंस हो, मतलब कि जो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से सही हो, सूटेबल हो। जैसे मान लो कहीं पे पानी कम है तो ऐसी क्रॉप उगाई जाए जहाँ पे पानी, जो क्रॉप के लिए पानी कम चाहिए, मतलब जो ड्रॉट कंडीशन में भी उग सकें। जैसे जी मान लो ज्वार हो गया जी आपका, बाजरा हो गया आपका, ये सारी फसल, कि ऐसा नहीं है वहाँ पे पानी है नहीं, रिक्वायरमेंट इरिगेशन के सिस्टम है नहीं और आप वहाँ पे पैडी कल्टीवेशन कर रहे हो, क्योंकि पैडी कल्टीवेशन में जी धान की खेती में पानी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो उसके लिए क्या, फार्मर को प्रमोट करना है, इंक्रीज करना है कि आप क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप ही यहाँ पे लगाओ और ऐसी मतलब एग्रोफॉरेस्ट्री डेवलप करो ताकि क्या है जो वुड बेस्ड हो या हर्बल इंडस्ट्री के लिए काम आ सके, मतलब कि उनसे आपको लकड़ी भी मिल सके और दूसरा मेडिसन, ऐसे मेडिसन प्लांट वगैरह लगाओ, मेडिसन भी बन सके उनसे। अब ये एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है हम ऑलरेडी जान चुके हैं, एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, ये पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए एक बार। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है, इज डिफाइंड एज ए लैंड यूज सिस्टम विच इंटीग्रेट्स ट्रीज एंड श्रब्स ऑन फार्म लैंड, मतलब ऐसा लैंड यूज सिस्टम है कि आप जब क्रॉप के साथ साथ ट्रीज भी लगाओ, पेड़ भी लगाओ, श्रब्स वगैरह झाड़ी वगैरह लगाओ, एंड रूरल लैंडस्केप टू इन्हेंस प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी, जिससे क्या है किसान की उत्पादकता भी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी लाभ भी होता है उसे, उसकी इनकम बढ़ती है, डाइवर्सिटी भी बढ़ती है जी, और दूसरा इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी में भी इंक्रीज मिलता है। तो इस तरह से क्या है, एक डायनेमिक इकोलॉजिकल बेस्ड सिस्टम है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है ये एग्रोफॉरेस्ट्री, जो जिससे फार्मर की इनकम भी बढ़ती है, वुड भी मिल जाती है, हर्बल मतलब हर्बल मेडिसन बनानी है कोई उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है जी। तो क्या है, विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, फार्मर्स के लिए भी, फील्ड के लिए भी, किसान के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी, हर तरीके से विन विन सिचुएशन है एग्रोफॉरेस्ट्री, ये आप लिख सकते हो पॉइंट। अब सेरीकल्चर क्या है जी, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर है जी सिल्क, सिल्क की खेती करना, ये भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है सेरीकल्चर। इसमें क्या होता है, सिल्क वॉर्म को रियर किया जाता है, रियर का मतलब पालना, कि जो सिल्क वॉर्म जो कीड़े होते हैं ना, सिल्क रेशम के कीड़े जिनसे यार्न बनता है, धागा बनता है, तो ये प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क इसका मतलब है सेरीकल्चर का। तो इससे कोकून्स जो होते हैं, कोकून्स बोलते हैं जी, जो वही कीड़े जिनसे यार्न बनाया जाता है, सिल्क का रेशम का धागा बनाया जाता है जिससे कपड़े बनते हैं, तो इनको पाला जाता है, रियर किया जाता है। और दूसरा इसमें क्या होता है जी, सेरीकल्चर में जो फूड प्लांट कल्टीवेशन भी की जाती है, मतलब जो इन कीड़ों को फूड चाहिए जी, जो भोजन चाहिए उनके लिए, उसको भी तो उगाया जाता है ताकि ये कीड़े खा सकें। तो इस सेरीकल्चर में ये भी आता है, ध्यान रखना कोकून को भी, मतलब वॉर्म को जो होते हैं जी, ये कीड़ों को भी पालना, रियर करना और फूड प्लांट कल्टीवेशन भी करना, सेरीकल्चर में दोनों आता है। तो एक तरह से ये क्या है, सिल्क इंडस्ट्रीज के लिए बेनिफिट है जी ये, प्रोसेसिंग के लिए, वीविंग के लिए। डोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म आर रेज फॉर द पर्पज ऑफ सेरीकल्चर, जो भी ये सिल्क वॉर्म होते हैं जी डोमेस्टिकेटेड किया जाता है, मतलब डोमेस्टिकेटेड का मतलब रियर करना ही, पालना, तो सिर्फ सेरीकल्चर के पर्पज के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सिल्क प्रोडक्शन इंडिया में कितना जी, ये देख लेते हैं एक बार कि सिल्क प्रोडक्शन कितनी, इसकी टाइप है, कितनी वेराइटीज़ हैं सिल्क की इसकी जी। 5 मेजर टाइप्स की वेराइटी है सिल्क की, रेशम की 5 मेजर की वेराइटी है, जो क्या है डिफरेंट स्पीसीज से ऑप्टेंट होती हैं जी, मिलती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के अलग अलग तरह के कीड़े होते हैं जी सिल्क वॉर्म, जिनसे हमें 5 तरीके की वेराइटी मिलती हैं। देखो जी मेजरली तो 4 तरीके की होती हैं, मलबेरी, टसर, मूगा और एरी। अब ये टसर की 2 वेराइटी हैं, एक तो ओक टसर और एक ट्रॉपिकल टसर। ट्रॉपिकल टसर का जो ट्रॉपिकल रीजन में होती है, ट्रॉपिकल रीजन जैसे ये अर्थ है जी, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है, इक्वेटर जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं 0 डिग्री, और इसके नॉर्थ और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जी, नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे 23.5 डिग्री नॉर्थ में
टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं जी इस लाइन को, और ये लाइन है जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं, ये 23 1/2 साउथ डायरेक्शन में, तो इसके बीच का जो रीजन है इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, 23 1/2 नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में दोनों के बीच का एरिया। और यहाँ पे जो सिल्क होता है जी इसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल टसर सिल्क। तो मलबेरी को छोड़ के जी, मलबेरी जो सिल्क है ये चारों वेरायटी एक बार CAPF के एग्ज़ाम में पूछ ली गई थी कि कौन कौन सी सिल्क की वेरायटी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ऐसा मत मानना कि ये हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं बस बेफिजूली के लिए। एक्सेप्ट फॉर मलबेरी, मलबेरी को छोड़ के अदर नॉन मलबेरी वेराइटीज़ ऑफ सिल्क आर वाइल्ड सिल्क, मतलब अगर मलबेरी को छोड़ दें तो सारी जो वेराइटी हैं मलबेरी को छोड़ के वो वाइल्ड सिल्क है, मतलब जंगली सिल्क है जी, जंगलों में होती हैं ये, फॉरेस्ट एरियाज़ में, और इन्हें वन्य सिल्क भी बोलते हैं। वन्य का मतलब है जी हिंदी का वर्ड है वन्य, संस्कृत में भी वन्य बोलते हैं, हिंदी में वन वन या वन्य, मतलब वन्य का मतलब फॉरेस्ट, मतलब वाइल्ड सिल्क बोलते हैं इसे, मलबेरी को छोड़ के सारे वाइल्ड सिल्क हैं जी। और इंडिया क्या है, इंडिया हैज़ द यूनिक डिस्टिंक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल दीज कमर्शियल वेराइटीज़ ऑफ सिल्क, इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक इकलौता ऐसा है जी जो सिल्क की सारी वेराइटी यहाँ पे होती हैं, और इंडिया में साउथ इंडिया में जी लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, साउथ इंडिया में ज़्यादा है जी। कौन कौन से एरियाज़ हैं, कांचीपुरम, धर्मावरम, आर्नी, ये मोस्टली प्रोड्यूसिंग एरियाज़ है जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, रेशम प्रोड्यूस करते हैं। इतना ही था जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। स्विट्जरलैंड टू बैन ऑन फेस कवरिंग्स इन पब्लिक, स्विट्जरलैंड ने अभी एक रेफरेंडम किया, रेफरेंडम क्या होता है जी, रेफरेंडम होता है जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसका एक टूल है जी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है जी कि जो भी अगर कानून बनाना हो वहाँ में, कोई भी लॉ बनाना हो किसी कंट्री में, अगर उसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो उसमें कोई भी अगर मान लो उस कंट्री को लॉ बनाना है, कानून बनाना है, तो वो लॉ को कागज़ में लिखेगी और पब्लिक में डाल देगी, मतलब पब्लिक वोट करेगी इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए या कैसे भी, पब्लिक चाहेगी ये लॉ बनना चाहिए तो बनेगा, नहीं चाहेगी तो नहीं बनेगा। अगर मान लो जितने भी वोट हुई, मान लो जी 100 वोट हुई, उनमें से 51% ने बोला यस कि लॉ बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, तो कानून बन जाएगा और नहीं तो नहीं बनेगा। अब ऐसा ही रेफरेंडम कराया जी स्विट्जरलैंड ने, किस लिए, ताकि जो फेस को कवर करते हैं ना लोग, जैसे बुरका पहनते हैं जी या निकाब पहनते हैं मुस्लिम वुमेंस, कि इसको पब्लिकली बैन करने के लिए किया जाए या नहीं किया जाए, कि क्या पब्लिक प्लेस में कि इसको पहनते हैं जो, इसको बैन किया जाए, मतलब इस पर प्रतिबंध लगाया जाए कि पहनना अलाउ नहीं है अब, तो लोगों ने यस बोला और ये रेफरेंडम पास हो गया जी। तो ये एक से एक्सेप्शन क्या क्या है जी, मतलब किस किस प्लेस में वो फेस को कवर कर सकती हैं ऐसी वुमन। देखो जी अगर कोई वर्शिप कर प्लेस पे है, पूजा कर रहे हैं कहीं पे, वहाँ आप कर सकते हो, कोई सेक्रेट साइट से मतलब पवित्र स्थान पे आप हो, पूजा कर रहे हो, वहाँ पे अलाउ है, या फिर हेल्थ और सेफ्टी रीज़न के लिए, मान लो आप कोरोना वगैरह के लिए सेफ को कवर कर रहे हो तो वहाँ कर सकते हो आप। कोई भी लोकल कस्टम है उनकी, जैसे कार्निवल्स, उसके लिए क्या है, अपनी रीति रिवाज निभाने के लिए आप फेस को कवर कर सकते हो, लेकिन पब्लिक प्लेस में आप नहीं कर सकते हो। अगर कोई आपका कोई रीति रिवाज परफॉर्म नहीं कर रहे हो, वर्शिप नहीं कर रहे हो, तो आप कवर नहीं कर सकते हो। तो ये जो क्या है स्विस पीपल क्या है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इम्प्लीमेंट किया जाता है ऐसी रेफरेंडम लाके, जिससे क्या है जो भी नेशनल या रीजनल इश्यूज हैं उनको रेफरेंडम के जरिए, वोट के जरिए, लोकल वोट डालते हैं लोग, डालते हैं वोट, उसके जरिए इसे ऐसे लॉ कानून बनाए जाते हैं। अब यूरोप की कंट्री है जी स्विट्जरलैंड, अब स्विट्जरलैंड यूरोप में फर्स्ट कंट्री नहीं है जी ऐसा, यूरोप की पहले एक फ्रांस कंट्री ने भी पब्लिकली बैन कर दिया बुरका वगैरह को, निकाब वगैरह को 2011 में, कि पब्लिक प्लेस में बुरका वगैरह और निकाब वगैरह नहीं पहना जाएगा। अब जो फेस को कवर करती हैं मुस्लिम, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं जी, ये देख सकते हो आप, हेड कवरिंग वोर्न बाई मुस्लिम वूमन, देखो जी जो ये है ये तो इसे बोलते हैं बुरका, मतलब इसमें पूरा ही कवर है, हेड भी सिर्फ आंखों के सामने भी वो हल्का सा वो लगा होता है जी, मतलब एक ट्रांसपेरेंट सीट लगी होती है जिससे आंखें बस देख सकें, पूरी बॉडी कवर होती है। और ये जी निकाब, जिसमें क्या है सिर्फ, जिसमें आपका जो फेस है वो ही कवर होता है और आंखें दिखती रहती हैं। और ये जी हिजाब, हिजाब में देखो ये थोड़ा पूरा चेहरा दिखता है और गले के साइड में डाल लेते हैं। और ये जी आपका चादोर, ये चादोर क्या है जी, ये चादोर है जी जिसमें बुरका है जी, पूरा बुरका, लेकिन इसमें फेस दिखता रहता है, पूरा फेस दिख रहा है ना ये बुरका, तो दूसरा ये है जिसमें सिर्फ आंखें ही क्या है दिखाई देती हैं और इसमें पूरा फेस दिखाई दे रहा है। और ये जी सायला, सायला देखो जी इसमें पूरा वो कवर है और थोड़ा जो ये है पार्ट, जो जो भी दुपट्टा वगैरह डालते हैं ये इधर निकला होता है और गले के साइड में डालते हैं, ये हिजाब से थोड़ा डिफरेंट है देख सकते हो। और ये जी अल अमीरा, अल अमीरा में
शोल्डर तक कवर होता है और सिर्फ मुंह दिखाई देता है। और ये जी खीमर, इसे खीमर बोलते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा पार्ट कवर होता है और इसकी देखो थोड़ी जो डायरेक्शन है वो इस तरह की है, तो आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के कवरिंग है मुस्लिम वुमेंस के। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, यही था इसमें टेक भारत 2021। ये क्या जी, एक मीटिंग, मान लो मीटिंग हुई है टेक भारत की, एनक्लेव भी बोलते हैं, ई एनक्लेव मतलब इंटरनेट के जरिए हुई है। क्या कि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया है, हेल्थ सेक्टर से और एजुटेक सेक्टर से, मतलब हेल्थ से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इसमें डिस्कस करते हैं इसमें। ये कौन, किसने किया जी, ये किसने ऑर्गेनाइज किया, आयोजित किसने किया ये टेक भारत, ये किया जी, इसका सेकंड एडिशन किया है अभी किसने, लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन ने। ये दोनों, ये समझ लो जी, NGO टाइप है, मतलब गैर सरकारी संस्था, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इतना ही था इसमें, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी मैत्री सेतु इनॉग्रेटेड। मैत्री सेतु एक बांध है जी, डैम है, डैम 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 ब्रिज बोल सकते हो, डैम भी नहीं ब्रिज, सॉरी ब्रिज 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 बोल सकते हो, ये ब्रिज है जी, एक फ्लाईओवर बोल सकते हो, मैत्री सेतु। ये कहाँ पे इनॉग्रेटेड किया है, देखो ये जी अपना इंडिया का त्रिपुरा और यहाँ पे बांग्लादेश, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में रिवर फैनी फ्लो करती है, फैनी फैनी नदी, इसके ऊपर ये भी ब्रिज जो इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ेगा, बांग्लादेश में कहाँ पे, बांग्लादेश में जोड़ेगा और इंडिया में त्रिपुरा में जोड़ेगा जी। ये देखो फैनी रिवर के ऊपर बनना मैत्री सेतु एक ब्रिज है जो त्रिपुरा सेट और बांग्लादेश को ये कनेक्ट करेगा। ये लगभग इसमें 133 करोड़ रुपये का मतलब लागत आएगी प्रोजेक्ट को बनाने में। ये 1.9 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है जो इंडिया में सब रूम, जगह कहाँ पे, त्रिपुरा में सब रूम जगह को बांग्लादेश के रामगढ़ जगह से जोड़ेगा, कनेक्ट हो गया जी बांग्लादेश में रामगढ़ से और सब रूम त्रिपुरा में। इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना फर्स्ट काउंटर टेररिज्म डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड नाइजीरिया। नाइजीरिया एक अफ्रीका की कंट्री है जी, अभी फर्स्ट ऐसा डायलॉग हुआ है, मतलब एक मीटिंग हुई है इंडिया और नाइजीरिया के बीच में जो काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड इशू को सॉल्व करेगी, मतलब कि आतंकवाद के विरोधी क्या क्या स्टेप लिए जा सकें इसके लिए डायलॉग हुआ जी। ये फर्स्ट स्ट्रेटेजिक एंड काउंटर टेररिज्म डायलॉग है जो इंडिया और नाइजीरिया के बीच में हुआ है। नाइजीरिया कंट्री की लोकेशन देख सकते हो आप इस मैप में, ये अफ्रीका का कुछ पार्ट है जी, ये अफ्रीका में ये नाइजीरिया कंट्री है जी, इसके नॉर्थ साइड में नाइजर है, वेस्ट में बेनिन है और इसके ईस्ट में चैड, चैड कंट्री है और यहाँ पे चैड लेक है जी, लेक चैड, लेक चैड तीन कंट्री के बॉर्डर लगाती है, चैड नाइजीरिया और आपका ये नाइजर, और चौथी कंट्री है जी ये लेक चैड कैमरून के साथ भी बॉर्डर लगाती है। ये देखना आपको, ये देख सकते हो आप मैप में, इसे साफ कर देता हूँ मैं, ये देखो जी ये लेक चैड कौन कौन से, ये तो देखो कैमरून रीजन के साथ, इधर चैड के साथ, इधर नाइजर के साथ, इधर नाइजीरिया, तो चार कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर लगाती है लेक चैड जो चैड झील है, तो ये भी याद रखना आपको, और नाइजीरिया की लोकेशन याद रखना है, और नाइजीरिया के साउथ में है जी ये गल्फ ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ गिनी है जी ये यहाँ पे, तो इसकी लोकेशन देख ली, थोड़ा ये देख लेते हैं। डायलॉग में बस कुछ नहीं है, टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन को क्या है चैलेंज को सॉल्व करने के लिए, इनकी थ्रेट को, जो थ्रेट होती है जी इनको डिस्कस किया गया है कि कैसे रोका जाए आतंकवादी गतिविधियों को, तो स्पेसिफिक एरियाज ऑफ कोऑपरेशन वर आइडेंटिफाइड टू इनहेंस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। टेररिज्म से, आतंकवाद से लड़ने के लिए स्पेसिफिक एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा इसके जरिए। अब नाइजीरिया की हमने लोकेशन देख लीजिए, इसके नॉर्थ साउथ में कौन है ये लिखा हुआ है इसमें, और गल्फ ऑफ गिनी के बारे में देख लिया, और नाइजीरिया की कैपिटल क्या है जी, अबूजा, ये आप याद कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना इंडिया स्वीडन वर्चुअल समिट। अभी वर्चुअल समिट का मतलब है जी इंटरनेट के जरिए हुआ है कि वर्चुअल समिट हुआ है, एक मीटिंग हुई है, समिट का मतलब किस किस के, इंडिया और स्वीडन के बीच में, इंडिया और स्वीडन के बीच में हुई है, जिसमें क्या है बाइलेटरल इश्यूज़ अदर रीजनल एंड मल्टीलेटरल इश्यूज़ ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट वर डिस्कस्ड, मतलब अपने आपस के, बायलेटरल का मतलब है जी दो कंट्रियों के बीच में जो भी इशू, इंडिया स्वीडन के बीच में, और या रीजनल इश्यूज़ हैं जो मल्टीलेटरल कोई भी परेशानी है उनको डिस्कस किया गया है इसमें। अब स्वीडन की लोकेशन देखते हैं जी अपने, स्वीडन कहाँ पे जी, यूरोप की कंट्री है, या आपने देखा होगा इधर, यहाँ पे जी दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, यहाँ पे ब्रिटेन है जी, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम है यहाँ पे, और इधर ये नॉर्वे, ये है जी स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड के बीच में, और ये है जी डेनमार्क, और ये बाल्टिक सी है इनके बीच में, बाल्टिक सी, बाल्टिक समुद्र, और यहाँ पे कहीं आइसलैंड है जी, और यहाँ पे ग्रीनलैंड है, तो ये आइसलैंड, ग्रीनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, इनको मिला के नॉर्डिक कंट्री भी बोलते हैं जी, नॉर्डिक, नॉर्डिक रीजन बोलते हैं, नॉर्डिक रीजन। तो ये दोनों कंट्री ने क्या है इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है, एक प्लान है जॉइंट एक्शन प्लान एंड जॉइंट इनोवेशन पार्टनरशिप, तो ये वर्ड भी याद रखना है, ये किसके बीच में हुए, सिंपली इतना पूछ लेता है, एक बार इंडिया रसिया के बीच में पूछ चुका है,
इंडिया अमेरिका के बीच में ऐसा ही हुआ था एक डायलॉग, वो भी पूछ चुका है यूपीएससी, तो ये याद रखना। जॉइंट एक्शन प्लान एंड जॉइंट इनोवेशन पार्टनरशिप किस किस के बीच में, इंडिया और स्वीडन के बीच में, याद रखना है। तो ये अभी सबमिट पहले हुआ था जी, ये जो पार्टनरशिप है ना अभी से नहीं हुई है, ये 2018 में सबमिट हुआ था, तब एग्रीमेंट हुआ था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और स्वीडन के बीच में कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये विजिट करेंगे स्वीडन में। तो ये पार्टनरशिप याद रखना है बस आपको, कब होगी, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस डायलॉग के जरिए, जॉइंट एक्शन प्लान एंड जॉइंट इनोवेशन पार्टनरशिप इंडिया और स्वीडन के बीच में। अब स्वीडन ने क्या है जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी ये ज्वाइन कर चुका है, तो इंडिया ने इसका वेलकम किया है जी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है जी, एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जी 2015 में, पेरिस एग्रीमेंट किससे रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हुआ था, यूएनएफसीसी की, बहुत बार हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, पेरिस डील या पेरिस एग्रीमेंट, यूएनएफसीसी का मीटिंग हुई थी जी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, मीटिंग बोलते हैं जी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब मीटिंग होती है, ये 21वीं मीटिंग हुई थी यूएनएफसीसी की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये मीटिंग हुई थी जी इसकी पेरिस में, उसी को दे दिया गया पेरिस डील या पेरिस एग्रीमेंट, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज से कैसे मतलब लड़ा जाए, ग्रीन हाउस गैस पोल्यूशन को कैसे रोका जाए, इस पे मीटिंग हुई थी। तो वहीं पे इंडिया और फ्रांस ने मिलके एक अलायंस शुरू की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये शुरू की 2015 में। तो ये अलायंस बनाई जी इंडिया और फ्रांस ने किस लिए, ताकि जो जो भी कंट्री है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के अंदर या इनसे रिलेटेड या इनसे बाहर, मतलब चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर हो या उससे बाहर हो, वो भी कंट्री भी इंक्लूड है जी। अब टोटल लगभग 122 कंट्री है जी, लगभग लगभग जो इसके मेंबर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन अभी ऊपर ही तो बताया था आपको, भूल गए, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये इक्वेटर है जी 0 डिग्री, अर्थ की बात हो रही है, अर्थ है 0 डिग्री, इक्वेटर है भूमध्य रेखा, इसके नॉर्थ साउथ में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इनके बीच में कंट्री जो है या इनके आसपास जो कंट्री है वो भी इसके मेंबर हैं सारी। क्यों मेंबर हैं, कि ये चाह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की जाए, मतलब सोलर एनर्जी को प्रमोशन किया जाए, जो सूर्य से ऊर्जा बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है, उसको प्रमोटर करना, प्रमोट करना, इन्हेंस करना, इसका टारगेट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और ये भी स्वीडन इसको, इसका मेंबर है, इसको ज्वाइन कर चुका है। अब जो इसकी मेंबरशिप है जी, ग्रोइंग मेंबरशिप, द लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन वॉज अप्रिसिएटेड, एक ये लीड आईटी याद रखना जी, ये क्या है, ये भी मेंबरशिप है जी दोनों के बीच में। इसमें क्या होता है, ये 2019 में लॉन्च की गई थी जी, न्यूयॉर्क का सबमिट हुआ था, यूएन क्लाइमेट एक्शन सबमिट हुआ था जी न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन सबमिट, वहाँ पे 2019 में ये लीडरशिप लीड आईटी ये क्या है लॉन्च की गई थी। किस लिए, ताकि जो इंडस्ट्रीज जो यूज करती है ना फॉसिल फ्यूल्स वगैरह से एनर्जी, उनका ट्रांजिशन किया जाए, वो रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें, जैसे सोलर एनर्जी, मतलब जो बिजली बनती है सौर ऊर्जा से, उसको यूज करें इंडस्ट्रीज में, जिससे पॉल्यूशन कम हो उसके लिए। तो ये याद रखना है सिंपली कि लीड आईटी किससे रिलेटेड है, लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन किस लिए रिलेटेड है, ताकि इंडस्ट्रीज को ट्रांजिशन किया जा सके कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें, उसकी तरफ अपना मतलब ध्यान दें। अब जो नॉर्डिक रीजन है जी, इसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं ऑलरेडी जान चुके हैं हम, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और फारो आइलैंड है जी यहाँ पे, ग्रीनलैंड और अलैंड, ये सारी कंट्रीज और रीजन आते हैं जी इसमें। इसमें इतना था, चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है गहीरमाथ मैरीन सेंचुरी, ये क्या जी गहीरमाथ मैरीन सेंचुरी, ये जी एक सेंचुरी मतलब जंगल है जी, फॉरेस्ट एरियाज है, जिसको मैरीन सेंचुरी बोलते हैं या मरीन भी बोलते हैं इसको, प्रनाउंस करते हैं गहीरमाथ, ये उड़ीसा के कोस्ट पे जी, चिल्का लेक के आसपास, चिल्का लेक, चिल्का झील तो सुना ही होगा आपने। अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाई कोर्ट ने, उड़ीसा का हाई कोर्ट ने 3 मेंबर पैनल बनाया था, कंस्टिट्यूट किया था, जो यहाँ पे एक्सेस करने के लिए, एसेस का मतलब है मूल्यांकन करने के लिए, कैसा मूल्यांकन, कि यहाँ पे ओलाइव रिडलेट सी टर्टल हैं, उनकी बहुत सारे लगभग 800 ओलाइव रिडले टर्टल की, कछुओं की मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, तो उसको पता लगाने के लिए कि भाई साहब क्या प्लान है आपका, क्या कर रहे हो यहाँ पे। ये ओलाइव रिडले टर्टल का देख लो जी, ये पिक्चर है जी, ये है जी कछुआ, ओलाइव रिडले टर्टल। अकॉर्डिंग टू इस रिपोर्ट के हिसाब से क्या है जी, मैगजीन की रिपोर्ट आई थी जी, इन्वायरमेंट मैगजीन की रिपोर्ट, जिसमें 800 ओलाइव रिडले टर्टल डाइड हो गए थे, मर गए थे जनवरी में, तो किसकी वजह से, स्टेट्स फॉरेस्ट और फिशरी डिपार्टमेंट की नेगलिजेंस की वजह से, नेगलिजेंस का मतलब है लापरवाही की वजह से मर गए थे। अब ये ओलाइव रिडले टर्टल ने जी, ये मिलियंस मिलियंस की मतलब लाखों की संख्या में मास नेस्टिंग करते हैं जी उड़ीसा के कोस्ट के पास, एवरी ईयर हर साल ये आते हैं जी उड़ीसा कोस्ट पे समुद्र से निकल के, और यहाँ पे मास नेस्टिंग का मतलब है जी, ये अंडे देते हैं, टू ले एग, नेस्टिंग का मतलब है टू ले एग,
मतलब अंडे देना, अपने बच्चे पैदा करने के लिए जी आते हैं यहाँ पे, अंडे देते हैं उड़ीसा का कोस्ट पे। गहीरमाथ बीच है जो ऑफ द बे ऑफ बंगाल कोस्ट इन उड़ीसा इज एक्लेम्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड ऑफ दिस टटर। पूरे वर्ल्ड में जी लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड है, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठे आते हैं जी, नेस्टिंग करते हैं, सबसे बड़ा ग्राउंड है जी पूरे वर्ल्ड में ये। चलते जी नेक्स्ट में, नेक्स्ट है हमारा इक्विन हर्पेस वायरस आउटब्रेक इन यूरोप। ये एक वायरस है जी, इक्विन हर्पेस वायरस, जो रिसेंटली देखा गया है कहाँ पे, यूरोप में। ये वायरस मेनली किस में होता है जी, हॉर्सेज में होता है जी, घोड़ों में होता है ये वायरस, इसकी वजह से बीमारी हो जाती है। अभी ये देखने को मिला, अभी तक लगभग 7 कंट्रीज में पाया गया है ये वायरस EHV1, इक्विन हर्पेस वायरस 1। वन टाइप का, वन क्यों जी, इसके बहुत सारे टाइप है, 1 2 3 4 5 ऐसे, ये वन है, नंबर वन का है, जो स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन, कतर, ये यूरोप कंट्री हैं जी, और ये जी कतर वेस्ट एशियन कंट्री, इतने सारी कंट्रीज़ में मिल चुका है ये 7 कंट्रीज़ में। यूरोपियन हर्पेस इक्विन वायरस के बारे में पढ़ते हैं जी थोड़ा डिटेल। ये कॉमन वायरस है जो हॉर्सेज पॉपुलेशन में पाया जाता है वर्ल्ड वाइड, घोड़ों में मिलता है जी ये वायरस, इक्विन हर्पस वायरस। इसकी बहुत सारी फैमिली होती है जी इक्विन हर्पस वायरस की, EHV की, जैसे 1 2 3 4 5 नाम से जाना जाता है। लेकिन जो मोस्ट डेंजरस वायरस होते हैं जी, इसमें 1 3 4 होते हैं, जो ज़्यादा सीरियस हेल्थ कंडीशन हो सकती है जी, जिससे जो डोमेस्टिक हॉर्स होते हैं ना जी, जो घरों में जो लोग घोड़े पालते हैं, उनको रिस्क हो सकता है जी, बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है इसकी वजह से। इसकी वजह से होता क्या है जी, हेल्थ रिस्क इसकी वजह से होता है जी, बीमारी हो जाती है, डिसीज़ होता हो जाती है हॉर्स में, घोड़ों में, जिसकी वजह से रेस्पायरेटरी डिसीज हो सकती है जी, सांस से रिलेटेड बीमारी हो सकती है घोड़ों को, अबॉर्शन हो सकता है जी। अबॉर्शन का क्या मतलब है जी, गर्भपात हो सकता है, जानते होगा आप, गर्भपात का मतलब है कोई मान लो मेयर है, मेयर का मतलब है जी फीमेल हॉर्स, मतलब घोड़ी है कोई, उसको अगर प्रेग्नेंट है तो उसका बच्चा बच्चा भी गिर सकता है जी, अबॉर्शन हो सकता है अगर ये बीमारी हो जाए तो। नियोनेटल डेथ हो सकती है जी, नियोनेटल का मतलब है बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, उसकी मृत्यु हो सकती है इस डिसीज़ की वजह से, मतलब घोड़े के बच्चे की बात हो रही है, घोड़ी की, मेयर की। दिस स्ट्रेन कैन ऑल्सो कॉज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल भी प्रॉब्लम हो सकती है जी, उसके माइंड में प्रॉब्लम हो सकती है, पैरालिसिस हो सकती है घोड़ों के में, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है घोड़ों की। तो वायरस क्या है, एक तरह से घोड़ों में वीकनेस, कमजोरी ला देता है, जिससे क्या लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है जी, उनकी एपेटाइट का मतलब इच्छा मर जाती थी, भूख की इच्छा, भूख ही नहीं लगती उन्हें, और आर अनेबल टू स्टैंड, और खड़े भी नहीं हो सकते जी, अनेबल टू स्टैंड। स्प्रेड कैसे होता है जी, फैलता कैसे है, EHV1 वायरस, ये स्प्रेड होता है जी डायरेक्ट हॉर्स टू हॉर्स कॉन्टैक्ट, मतलब घोड़े से घोड़ों में फैलता है ये वायरस, और ये क्या है, एक कंटीजियस है, बहुत ज़्यादा फैलने वाला है, कंटीजियस का मतलब फैलने वाला वायरस है जी। एक चीज़ रह गई जी, ये जो इक्विन हर्पेस वायरस है, ये DNA वायरस है, याद रखना आपको, DNA, DNA का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है जी RNA वायरस, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जैसे कोरोना वायरस एक एग्जाम्पल है जी RNA वायरस का, कोरोना कैसा वायरस है, RNA वायरस है जी, RNA से बेस्ड निकलता है जी, और ये जो इक्विन हर्पेस वायरस है जी, ये DNA बेस्ड है, ये याद रखना आपको इसमें। और जी अब स्प्रेड देख लिया हमने, घोड़े से घोड़ों में फैलता है, कांटेक्ट में अगर आ जाते हैं, घोड़ा बीमार है जी, उसमें अगर EHV वायरस है तो दूसरे घोड़े को भी हो सकता है जी, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के जरिए, नसल सीक्रेशन के जरिए, मतलब नाक से जो पानी वगैरह निकलता है, अगर दूसरे घोड़े को छू लें उसे, तो वो हो सकता है जी। दूसरा इनडायरेक्टली भी हो सकता है जी कॉन्टैक्ट में, मान लो कोई वायरस, मान लो कहीं पे किसी जगह पे वायरस, मान लो नसल सीक्रेशन होता है जी, जैसे पानी निकलता है घोड़े के नाक से, तो वो अगर कहीं पे जगह पे गिर जाए और दूसरा घोड़ा वहाँ पे आ जाए, हॉर्स आ जाए, तो तब भी हो सकता है जी, जैसे कोरोना वायरस होता है ना, कोरोना वायरस मान लो किसी जगह पे, किसी मान लो कोई खाने पीने की जगह पे मतलब पड़ा हुआ है वायरस, और आप खा पी लो, उससे टच कर लो तो वायरस हो जाता है, ऐसे ये भी हो सकता है जी। अब जो इक्विन हर्पेस वायरस है, इसका दूसरा नाम है जी इक्विन हर्पेस वायरस माइलो एनसेफलोपैथी, EHM, इस नाम से भी जाना जाता है इस वायरस को, ये याद रखना आपको। अब प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है जी, प्रिकॉशंस का मतलब क्या क्या सावधानी ली जा सकती है, ट्रीटमेंट मतलब क्या सॉल्यूशन, हल क्या हो सकता है, इलाज कैसे हो सकता है ट्रीटमेंट इसका। देखो जी इलाज ऐसे हो सकता है कि अगर जो घोड़ा है उसको कोई बीमारी हुई, पता लग गया इसको वायरस है, उसको सेपरेट रख दिया जाए, जैसे अभी क्या है क्वारंटाइन कर देते हैं ना, कोरोना हो जाता है तो किसी को क्वारंटाइन मतलब सेपरेट, सेपरेटली किसी रूम में अलग रख देते थे, ऐसे घोड़े को अलग रख दो। दूसरा इसके लिए दवाइयाँ, ट्रीटमेंट किया जा सकता है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ देके इसका इलाज किया जा सकता है। तो यही था जी आज के लेक्चर में, अब क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इंटू नॉर्डिक रीजन, आपको बताना नॉर्डिक रीजन में कौन कौन से पड़ते हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन या ऑल ऑफ द अबव,
जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। बहुत सारे अभी अब देखा ना, बहुत सारे इसमें पढ़ते हैं, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन है, उसके साथ साथ कौन से हैं बताओ जी आप, याद ही होगा आपको, ग्रीसलैंड मतलब आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है ना, फारो आइलैंड है, एलैंड है, ये सारे पढ़ते हैं इसमें, अभी तो देखा हमने, अभी पढ़ा। इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क वॉज इनोग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, आपको ये बताना, इंडिया का जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क बनाया गया अभी कौन से स्टेट में बनाया गया, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, बी सही आंसर है, तेलंगाना में। चलते हैं नेक्स्ट पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, को स्टेटमेंट दी हुई है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, इन नेट फॉरेक्स रिजर्व विद द RBI इज पार्ट ऑफ रिजर्व मनी फॉर द इकोनॉमी और गवर्नमेंट, जो RBI के पास, जो हमारा सेंट्रल बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व का मतलब जो फॉरेन कंट्री वगैरह की कंट्री, फॉरेन कंट्री की जो करेंसी होती है, जैसे डॉलर हो गया जी, या चाइनीज़ करेंसी या जापानीज़ करेंसी, जो रिजर्व होता है, वो जो रिजर्व मनी होती है, वो अपनी इकोनॉमी, हमारे इंडिया की अर्थव्यवस्था और सरकार के लिए यूज हो सकती है क्या, उसी का पार्ट है रिजर्व मनी। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व वॉज नेवर ग्रेटर देन इंडियाज़ टोटल एक्सटर्नल डेट इंक्लूडिंग दैट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, इंडिया का जो भी फॉरेक्स रिजर्व है, जितना भी RBI के पास पैसा है, वो कभी भी इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है उससे ज़्यादा नहीं रहा, मतलब इंडिया का डेट कर्ज है जो एक्सटर्नल बाहर से जो कर्ज लिया हुआ है वो ज़्यादा रहता है हमेशा, और फॉरेक्स रिजर्व कम हमेशा, ये ऐसा रहता है क्या, आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना जी, फर्स्ट सेकंड या दोनों, दोनों इनकरेक्ट। देखो जी फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, जो फॉरेक्स रिजर्व है मतलब रिजर्व मनी इंडिया गवर्नमेंट के लिए और इकोनॉमी के लिए ही है, लेकिन दूसरा बिल्कुल गलत है, ये तो आप एब्सर्ड स्टेटमेंट होते हैं जी, ऐसे UPSC में निकाल सकते हो आप, लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप डिस्कस मतलब ऑब्जर्व करोगे ना, यही चीज़ पाओगे, जो भी एब्सर्ड स्टेटमेंट है मोस्टली चांस होता है 80% 90% गलत ही होती है, तो नेवर मतलब ऐसा कभी हो सकता है यार, इंडिया इतना भी कमज़ोर नहीं है, हाँ माना डेवलपिंग कंट्रीज है, ये बिल्कुल गलत है, ए का करेक्ट आंसर है। ये देखो जी 2021 में ही इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है जो USD 584 है, 584 बिलियन डॉलर लगभग है जी, और जो इसका एक्सटर्नल डेट है वो 556, देखो कम है ना, एक्सटर्नल डेट जो इंडिया का बाहर से जो कर्ज लिया है, एक्सटर्नल डेट वो इतना है, कम है यानी कि, तो उसमें लिखा नेवर लेस देन, तो गलत हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी, नेक्स्ट है अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जो बजट पास करते हैं ना हर साल, बजट तो पूरे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी वर्ड यूज नहीं हुआ, उसके लिए क्या वर्ड यूज है, आर्टिकल 112 में, 112 आर्टिकल में, अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है जी, उसी का मतलब बजट है, लेकिन बजट वर्ड कहीं पे मेंशन नहीं है। अब ये बताना इसका मतलब, इसमें कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड होती हैं, एस्टिमेट्स ऑफ रिवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, मतलब जितना भी सरकार को पैसा कमाया है साल में, और जितना भी कैपिटल रिसिप्ट से कमाया, चाहे रिवेन्यू रिसिप्ट से जितना भी पैसा आया, उसका एस्टिमेशन मतलब मूल्यांकन, कितना पैसा आने का अनुमान है अगले साल में, ये होता है क्या, वेज एंड मीन्स टू रेज रिवेन्यू, मतलब पैसा कैसे कमाया जाए इसके लिए तरीके, एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा करेगा गवर्नमेंट इसके बारे में पूरा एस्टिमेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट, कोई भी मान लो नई योजना प्रोजेक्ट लाना चाहता है, सारा इस बजट में होता है क्या मेंशन, आपके ऑप्शन क्या है, 1 2 3, 1 3 4, 1 2 3 4, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 2 3 4, देखो जी कि इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव है, सारे ही होते हैं मेंशन, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, इंडियाज़ सीड वॉल्ट टू प्रोटेक्ट इंपोर्टेंट जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ मेजर मैन मेड ऑफ नेचुरल डिजास्टर इज लोकेटेड इन, इंडिया का एक सीड वॉल्ट है जी, जो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल होते हैं जी, उनको क्या है, मैन मेड जो भी नेचुरल डिजास्टर आते हैं उनसे बचाने के लिए रिसर्च वगैरह करता है, तो ये कहाँ पे आपको ये बताना है, कंचनजंगा में, काराकोरम पास, लद्दाख या नंदा देवी, ये जी सी आंसर है, लद्दाख में जी इंडिया का सीड वॉल्ट, ये हमने अपने करंट अफेयर में भी पढ़ा था जी, अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट है जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एम्परर पेंगुइन, एम्परर पेंगुइन के बारे में आपको स्टेटमेंट दी हुई है, पता ना कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, पहली बोल रही है एम्परर पेंगुइन एक पक्षी है जी, बर्ड है ये, मान लो आप बर्ड है पक्षी है पेंगुइन, एम्परर पेंगुइन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल लिविंग पेंगुइन स्पीसीज एंड इज एंडेमिक टू अंटार्कटिक, ये केवल और केवल अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप अंटार्कटिक, वहीं पे पाया जाता है कि एम्परर पेंगुइन, और सबसे छोटा है जितने भी पेंगुइन की कैटेगरी है, एम्परर पेंगुइन सबसे छोटा है उसमें, इट इज़ द ओनली पेंगुइन स्पीसीज दैट ब्रीड्स ड्यूरिंग द अंटार्कटिक विंटर, ये केवल केवल इकलौती पेंगुइन स्पीसीज है जो अंटार्कटिक में विंटर सीजन आता है जब ब्रीड करती है जी, प्रोडक्शन करती है, अपने बच्चे पैदा करती है। थर्ड बोल रही है, डिसअपेयरिंग सी आइस इंपैक्ट्स एम्परर पेंगुइन डायरेक्टली एज द एनिमल यूज इट एज ए होम बेस फॉर देयर ब्रीडिंग सीजन, अगर मान लो यहाँ पे
आइस जो बर्फ़ घटती है पिघलती है अंटार्कटिका में, तो वो एम्परर पेंगुइन पे भी इफेक्ट डालती है। तो ये बिल्कुल सही है क्या? आपको करेक्ट बताना कौन कौन सी है। आपका स्टेटमेंट है 1, 2, 1, 3, 2, 3 या ऑल ऑफ दी वो 1, 2, 3। देखो जी, फर्स्ट स्टेटमेंट इतना तो करेक्ट है कि एंडेमिक टू अंटार्कटिका, कि एम्परर पेंगुइन है वो एंडेमिक टू अंटार्कटिका है, मतलब अंटार्कटिका में ही पाई जाती है। लेकिन दूसरा गलत है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट गलत है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट नहीं बल्कि लार्जेस्ट स्पीसीज है। पेंगुइन स्पीसीज जितनी भी पाई जाती हैं लार्जेस्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। जहाँ जहाँ पे फर्स्ट है काट दो। आप आंसर आ गया, क्या आ गया जी? सी हमारा 2 एंड 3 करेक्ट है। उनकी एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं। ये जी पेंगुइन आप देख सकते हो, प्यारा सा पक्षी होता है जी पेंगुइन। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट दी हुई है जी, वो बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। ईच विलेज डिमार्केटेड एज पर द सेंसस मस्ट हैव इट्स ओन डेडिकेटेड ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। जनसंख्या की जो गिनती होती है जी, जनगणना, उसके हिसाब से हर हर स्टेट, हर गांव में, हर विलेज में क्या है, खुद की ग्राम सभा होनी चाहिए और ग्राम पंचायत होनी चाहिए जी। ये क्या मैंडेटरी है? सेकंड बोल रही है, एनी वन हु इज एलिजिबल टू वोट इन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम ए पर्टिकुलर विलेज कैन ऑल्सो वोट इन ग्राम पंचायत इलेक्शन। जो अगर लोकसभा के इलेक्शन में वोट कर सकता है जी एमपी के लिए, वो ग्राम पंचायत के इलेक्शन जो होते हैं उनमें भी वोट कर सकता है, एलिजिबल होता है। तो ये क्या सही है? फर्स्ट सेकंड दोनों सही है, दोनों गलत बताओ जी। देखो जी, फर्स्ट बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत हर एक विलेज में, ईच विलेज में बनाना हो, जरूरी नहीं है। दो या दो से अधिक विलेज को भी मिला के जी एक ग्राम पंचायत बना सकते हैं, अगर पॉपुलेशन कम है। मान लो एक विलेज है जी, रिमोट एरियाज में रहते हैं, पहाड़ी एरियाज में, उसकी पॉपुलेशन सिर्फ वहाँ पे 50 लोग रहते हैं, तो क्या वहाँ पे ग्राम पंचायत बनाई जाएगी? नहीं जी, कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो दो तीन विलेज को मिला के जहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन हो जाए, उनकी एक ही ग्राम पंचायत बना दी जाएगी। ग्राम पंचायत का मतलब उन सबका, गाँवों का, जो भी गाँव है यहाँ पे, विलेज हैं, उन सबका एक ही सरपंच होगा, प्रधान होगा, एक ही सरपंच, प्रधान यानी कि हेड ऑफ द विलेज एक ही होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हर एक ग्राम के लिए, हर विलेज के लिए अलग पंचायत बनाई जाए। तो फर्स्ट बिल्कुल गलत है, सेकंड बिल्कुल सही है जी। एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया, बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट वाज और वर दी असेंशियल चेंजेस ब्राउट बाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। ये बताना, जो 73rd संवैधानिक संशोधन हुआ था, इसके इसने क्या क्या बदलाव लेके आए कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट बोल रहा है जी स्टेटमेंट, पंचायत वर क्रिएटेड बाई एक्ट एज दे डिड नॉट एग्जिस्ट इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ाद भारत में पहले पंचायत नहीं होती थी, ये पंचायत को लेके आया, ये एक्ट जब लाया गया, संशोधन लाया गया। सेकंड बोल रहा है, पंचायती राज सिस्टम रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जो पंचायती राज सिस्टम है उसको संवैधानिक एक स्टेटस मिल गया इस एक्ट के आने से। इट फिक्स द साइज ऑफ पंचायत एंड ग्रांट एग्जीक्यूटिव पावर टू द पंचायत। इसने क्या है, पंचायत का जो साइज है फिक्स कर दिया और एग्जीक्यूटिव पावर दे दीजिए पंचायत को। आपको करेक्ट बताना है कौन कौन सी है, 1, 2, 2, 1, 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो जी, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये पता होगा आपको, पंचायत इंडिपेंडेंट भारत में इस एक्ट के आने से पहले भी होती थी, क्योंकि ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में। तो इसने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो दिया था, संवैधानिक स्टेटस दिया था, संवैधानिक बना दी थी पंचायती राज, लेकिन पहले भी एग्जिस्ट करती थी पंचायत। कहाँ पर हुई थी जी पहली पंचायत? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में होती थी, नागौर ज़िले में, 1949 में, 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1949 में पंचायत क्रिएट की गई। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने की जी। तो इंडिपेंडेंस भारत में इस एक्ट से पहले भी हुआ करती थी। तो जहाँ जहाँ एक है वो काट दो जी, आंसर वैसे ही आ जाएगा बी, और दूसरा बिल्कुल गलत है। कोई फिक्स नहीं करता है, ये पंचायत का साइज हर विलेज के लिए, ईच विलेज के लिए अलग अलग साइज होता है। चलते हैं जी नेक्स्ट में। विद रेफरेंस टू दी कंटोनमेंट बोर्ड के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन कौन सी है। फर्स्ट बोल रही है, इट इज एस्टेब्लिश फॉर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन द कंटोनमेंट एरिया। ये क्या है, किसी भी कंटोनमेंट एरिया होता है जहाँ पे, जैसे मान लो डिफेंस वगैरह के लोग रहते हैं, मिलिट्री वगैरह के, वहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उन्हें प्रशासन कैसे संभाला जाए, उनके लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एस्टेब्लिश की जाती है कंटोनमेंट बोर्ड। नेक्स्ट बोल रहा है, इट वर्क्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये जो कंटेनमेंट बोर्ड होते हैं किसके अंदर अंदर काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं। आपको करेक्ट बताना, 1 ओनली 2 ओनली, दोनों सही दोनों गलत। देखो जी, सेकंड बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अंदर काम करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, रक्षा मंत्री का। तो बिल्कुल फर्स्ट गलत है, ए ओनली करेक्ट सही है बिल्कुल। हाँ, सिविलियन पॉपुलेशन के लिए कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभाला जाए उनका, ये बनाया जाता है, ये एक्ट के थ्रू बनाया जाता है, याद करना, कंटोनमेंट बोर्ड एक्ट बनाया गया था एक, उसके जरिए, कानून के जरिए बनाया जाता है ये। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है करेक्ट कौन सी है।
गिव ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जी उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक स्टेटस दे दिया गया और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए प्रावधान किए गए इस एक्ट के जरिए, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 जो हमारा अनुच्छेद है उसके अंदर मौलिक अधिकार का पार्ट बना दिया गया कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना किसी भी सिटीजन का मौलिक अधिकार है जी। नेक्स्ट है इंक्लूडेड ए न्यू डायरेक्टरी प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, DPSP में भी चेंज किया इसने, जिसमें प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम की प्रोविजन जोड़ दी इस एक्ट ने। तो कौन कौन से सही है जी? ऑल ऑफ दी अबव, 1, 3, 1, 2, 2, 3, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है जी, ए आंसर करेक्ट है जी। आज के लेक्चर में इतना ही था जी।